क्या आप सभी को भी राउंड नेक में किस तरह से क्रॉस पट्टी से फिनिशिंग करते हैं वो सीखना है, या फिर ब्लाउज में क्रॉस पट्टी लगाते वक्त प्रॉब्लम आती है, जो फिनिशिंग चाहिए वो फिनिशिंग नहीं मिल पाती, एकदम प्रॉपर क्रॉस पट्टी लगा के हैमिंग वाला ब्लाउज में आपको फिनिशिंग का तरीका सीखना है, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए है। ये बिगिनर फ्रेंडली भी है, और जिसको पहले से स्टिचिंग आती है बट फिनिशिंग में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में प्रॉपर क्रॉस पट्टी लगाने का तरीका सिखाऊंगी, जिसमें ऊपर हमारी बिल्कुल कोई भी स्टिचिंग नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नेक को स्क्रैच नहीं करना। यू डोंट हैव टू स्क्रैच नेक लाइक दिस, इस तरह गले को खींचना नहीं है, ओरिजिनल शेप में रहने देना। अब हम ये बिया स्टेप यहाँ लगाएंगे, हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, डोंट स्ट्रेच नेक लाइन, डोंट पुल द नेक लाइन टुवर्ड्स यू, अपने तरफ गले को खींचना नहीं है, मशीन की तरफ पुश करना है, पुश द नेक लाइन, वन प्रेशर फुट स्टिच। प्रेशर फुट को आपका अंदाज रखना है, प्रेशर फुट से इस तरफ ना फैब्रिक जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए, स्टिच ओनली वन वन इंच, स्लोली स्लोली लाइक दिस, ओनली वन वन इंच, एकदम सिर्फ एक एक इंच जितने कपड़े को सिलते हुए मोड़ना है, डोंट स्टिच लाइक दिस। इस तरह पूरा एक साथ सिलने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा स्टिच करना, यू हैव टू स्टिच लिटिल लिटिल पार्ट, स्लोली स्लोली स्ट्रेच द स्ट्रिप नॉट द नेक लाइन, पट्टी को खींचना है। ये जो हम लगाने का तरीका सीख रहे हैं वो हम ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं, एंड कुर्ती इसके बैक नेक में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में तो हम कैनवास लगाते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो श्रिंक, यू कैन सी इट्स अ लिटिल बिट श्रिंक, थोड़ा श्रिंक हो जाना चाहिए ये। अब हम अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेंगे, सीजर देना पड़ेगा आपको, कैसी दोनों, अगर आपको अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है तो आप अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट सकते हो, यू कैन कट लिटिल बिट एक्स्ट्रा फैब्रिक, मेक कट्स इन ओनली कर्व शेप, कर्व वाले पार्ट में ही कट लगाना है, नॉट टू क्लोज टू द स्टिच, ज्यादा स्टिच के नजदीक नहीं लगाना। अभी हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, मार्जिन इन साइड द स्ट्रिप, मार्जिन पट्टी की तरफ रहना चाहिए, एंड स्टिच ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे स्टिच करना है, थंब से आपको फैब्रिक को अंदर की तरफ पुश करना है, मार्जिन को सीम अलाउंस को पट्टी के साइड पुश करना है, थंब से अंगूठे से, एंड ये जो पट्टी की विड्थ है वो वन प्रेशर फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर इट्स नॉट मोर देन वन प्रेशर फुट, क्वार्टर इंच ओनली, यूज द थंब, अंगूठे को यूज करें कि अंगूठे से हमारा कपड़े के अंदर पट्टी चला जाए, मार्जिन चला जाए, मार्जिन पूरा पट्टी के अंदर होना चाहिए, मेक श्योर दैट मार्जिन इज इन साइड ऑफ द स्ट्रिप बाय स्टेप। अब देखो कि हमने स्टिच एकदम बाजू में किया, जहां हमें हमने पट्टी लगाई, पट्टी के साइड एकदम बाजू में स्टिच है, एंड मार्जिन इज इन साइड, मार्जिन पूरा सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक, जो पट्टी हमने फिनिशिंग की वो नहीं काटना, अंदर का फैब्रिक काटना है, यू हैव टू कट ओनली एक्सेस फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक, अभी हम एक बार इसको मोड़ के आयरन कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ से, ये हमारा फैब्रिक का राइट साइड है, राइट साइड पे हमने पट्टी अटैच की एंड फोल्ड करके स्टिच किया, एक्स्ट्रा एक्सेस कट किया, ये हमारा राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो अभी मैं इस तरह से मोड़ के आयरन कर दूंगी, क्या लो बैठिए,
इसको पूरे को उधर लगाओ। पूरे पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी। अब देख सकते हो कि एकदम राउंड शेप में कितने अच्छे से नेक लाइन फिनिशिंग हुई है। ये जो क्रॉस पट्टी लगानी हमने सीखी वो हम ब्लाउज में यूज कर सकते हैं, कुर्तीज में, बैक नेक में यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के किड्स वेयर की नेक लाइन फिनिशिंग में कर सकते हैं क्विकली। और देख सकते हो कि अभी हमें हेमिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ हमें हेमिंग करनी है, वी नीड अ हेमिंग। यहाँ पे फोल्ड होके हेमिंग रहेगा। तो चलो अभी वापस मशीन पे